लखनऊ में लिव इन पार्टनर की प्रेमिका ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल असलहा भी बरामद किया गया है। प्रेमिका ने तलाक की और एक बच्ची की बात छिपाई थी। प्रेमी बोला इसलिए एक गोली दिल और दूसरी दिमाग में मारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेमिका ने छिपाई थी तलाक और एक बच्ची की बात, और इसीलिए प्रेमी बोला एक गोली दिल और दूसरी दिमाग में मारी थी। सत्रह अगस्त की रात्रि को थाना सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में एक फ्लैट में एक महिला की उसके लिविंग पार्टनर के द्वारा गोली मारकर हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना गोल सिटी पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। मौके पर ही फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सुशांत गोल सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक 17 अगस्त की रात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, ये जो पूरा मामला है, इस मामले में कई पेच हैं। पहला ये कि अगर प्रेमिका की एक बच्ची थी, प्रेमिका तलाकशुदा थी, तो उसने अपनी बात ये बात अपने प्रेमी से क्यों छुपाई। दूसरा सवाल ये उठता है कि कब से वो लोग लिव इन रिलेशन में रख रहे थे। और तीसरा ये कि क्या लिव इन रिलेशन की ये जानकारी जो लड़की के परिजन थे उनको भी थी। बिल्कुल, ये पूरा मामला 2022 में शुरू हुआ जब पहली बार ऋषभ और रिया ये दोनों सोशल मीडिया साइट पर एक दूसरे से टकराए और फिर इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत दोस्ती में तब्दील हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हुआ और फिर इन्होंने फैसला किया कि दोनों साथ रहेंगे। रिया ने तब तक जो ऋषभ ने बताया कन्विक्शन जो अपना साबित करने के लिए जो पुलिस के पास भी बड़ा एविडेंस रहेगा आने वाले वक्त, इसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अपने कबूलिया बयान में बताया कि वो गुस्से में था, उसे नहीं जानकारी थी कि रिया की पहले से ही शादी हो चुकी है, वो डिवोर्स्ड है, एक बच्ची है, ये सारी बातें उसे इससे छुपाई गई। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसे धोखा दे रही थी, किसी और के साथ भी उसका अफेयर चल रहा था। 9 महीने से ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में रह रहे थे। रिया के यहाँ हमेशा आना जाना था ऋषभ का। कल देर रात कुछ कहा सुनी इस तरह बढ़ी और ये सारी बातें खुलकर इस तरह सामने आई। अभिषेक, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर रिया की एक बच्ची थी तो वो बच्ची किसके साथ थी, अगर ये 9 महीने से एक साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। बिल्कुल, यही पेच की बात है, सबसे बड़ा पेच यही है, क्योंकि जो जानकारी उनके माता पिता से मिली है, उसने अपने मायके में छोड़ रखा था अपनी बेटी को, छोटी बेटी को अपनी, और वो लोग उसका भरण पोषण कर रहे थे। जब कल घटना हुई उसके बाद उसका फोन नहीं उठाया तो दोनों माता पिता वहां पहुंचे अपार्टमेंट में और तब उन्हें स्कूल से लखपत लाख मिली लिया की और फिर पदावासी की हालत में उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने सर्विलांस यूनिट का इस्तेमाल करके ऋषभ को गिरफ्तार किया और फिर सारी बातें खुलकर सामने आई। अभिषेक, क्या इसका मतलब यह है कि जो लड़की के परिजन थे उनको इस बात की जानकारी थी कि उनकी बेटी लिव इन में किसी दूसरे के साथ रह रही है? बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल थी और शायद यही वजह थी कि वो लोग सीधे उसकी फ्लैट पर आए जब फोन नहीं उठा। घर से भी मनमुटाव चल रहा था रिया का बेटी को रखने को लेकर। उनका कहना था कि वो दूसरी शादी करे या कुछ भी आगे जो करना है वो मुकम्मल तौर पर करे। लिविंग रिलेशनशिप या इस सारी चीज़ों का परिवार भी विरोध कर रहा था, लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके रिया और ऋषभ साथ में रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप शेयर कर रहे थे। इसी बात पर कल इस तरह से देर शाम झगड़ा होना शुरू हुआ, क्योंकि ऋषभ को ये शक था कि रिया का अफेयर किसी और से भी चल रहा है। इसने सोसाइटी के भी कई सारे लोगों से इस बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी, कई सारी जानकारियां उसे मिल रही थी कि कोई और भी फोन से बात कर रहा है, कोई और भी इससे मिल रहा है, लगातार टच में है। इस सारी बात पर कल कहा सुनी इस तरह बढ़ी कि वो बेकाबू हो गया और उसने एक पिस्टल से एक गोली उसकी आँख पे और दूसरी उसके चेस्ट पर। अभिषेक, एक सवाल और ये उठता है कि अब उस बच्ची का क्या होगा? क्या पहले पति का कोई बयान भी सामने आया है इस तरह का कि वो अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, या फिर बच्ची जो है वो अपने अब नाना नानी के पास रहेगी? मामला कोर्ट में विचाराधीन है बच्ची की कस्टडी को लेकर। डिवोर्स के बाद
बच्ची की कस्टडी को लेकर जो पूरा मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब जब रिया इस दुनिया में नहीं है तब बच्ची किसके साथ रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है, नाना नानी के साथ रहने के लिए उसको मंजूरी देता है या नहीं। और इन सारी बातों के बीच ये भी साफ है कि ऋषभ ने भले ही इसको तहस पर किया लेकिन उस मासूम बच्ची के सर से जो हाथ है वो हटा दिया। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा अभिषेक, कि जो लड़का है उसके परिजनों का कोई बयान सामने आया है क्या? उन्होंने भी इस बात की जानकारी थी कि वो इस लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था लंबे समय से? ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई है, वो ऑन कैमरा कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, क्योंकि पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी हॉस्टल कहाँ से आई, क्योंकि उनके परिजनों का कहना है कि ऋषभ के पास कोई हथियार नहीं था, वो हथियार उसी के किसी जानने वाले का रहा होगा, रिया के किसी जानने वाले का रहा होगा, ये ऑफ द रिकॉर्ड उनकी तरफ से आरोप है। उनका ये भी कहना है कि ऋषभ कई दिन से शक में था कि रिया का किसी और से अफेयर चल रहा है, इस बात की वो पड़ताल कर रहा था, रातों दिन लगा हुआ था कि कहीं से उसे कोई मिल जाए, कोई सबूत हाथ लग जाए। कल कुछ ऐसा हुआ जी, वहाँ पे से बाहर आ गया और उसने घटना को अंजाम दिया, उसके परिवार का रिकॉर्ड। अभिषेक, इस पूरी कहानी में कई और पहलू हैं, एक और किरदार होगा क्योंकि पिस्टल किसी ने तो मुहैया कराई होगी, रिवॉल्वर किसी ने तो मुहैया कराई होगी जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अभिषेक, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। हालांकि पुलिस अभी ऋषभ के साथ पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि वो रिवॉल्वर जो था उसने किसने उसे मुहैया कराई थी और इस घटना को अंजाम उसने किस तरह से दिया था। बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।